आपको एक ईमेल की होगी मैंने, जिसमें आपके सीए को की होगी या आपको वो इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी जिसमें आपको मैंने यहाँ का एलएमएस का जो लिंक है इस कोर्स का, उसका यूआरएल सेंड किया हुआ है और इसकी एनरोलमेंट की सेंड की हुई है। यहाँ पे देखें ये हमारे कोर्स का अभी तक हमने कितना किया है कि यहाँ इंट्रोडक्शन है अवेलेबल आपका कोर्स का, कि है क्या कोर्स अगर आपको नहीं पता इसके बारे में बिल्कुल भावना नहीं है। उसके बाद मैंने आउटलाइन दी हुई है इस कोर्स की, वन बाय वन हम इन चीजों को देखते हैं, फिर मैं आउटलाइन को ओपन करके भी आपको दिखा दी हूँ। आउटलाइन है, कोर्स लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये दो बुक्स हैं जो कि हम इस कोर्स में फॉलो करेंगे। मैं वन बाय वन इन दोनों बुक्स को लेके चलूंगी साथ टेक्स्ट बुक्स। ये दोनों बुक्स मैंने आपको ड्राइव मेरी पे पड़ी हुई है और ड्राइव का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, आप इस पे क्लिक करेंगे और जाके वहां से अपनी बुक्स डाउनलोड कर सकते हैं। और हम समरविल की बुक जो है इसमें से कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स हम इस बुक में से पढ़ेंगे जो फ्रेशमैन की है। वालेकुम अस्सलाम सलाम। आप उसके बाद वीक मैम, वन, आपकी आवाज जो है वो रुक रुक आ रही है। मैम ये कोर्स कौन सा? जी बेटा आप अभी अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैम मैं कह रहा हूँ ये कोर्स कोड कौन सा है? एलएमएस कोर्स कोड को आपने क्या करना है? पे वो सेक्शन सेक्शन वो बेटा कौन सा है? सेक्शन ए है, यहाँ पे आपको लिंक भी दिया हुआ है, इसका मैंने टाइटल दिया है, इसका लिंक दिया हुआ है और इसकी एनरोलमेंट की भी दी हुई है। तो आपने इसमें एनरोल करना है, उसके बाद आपको उसके अंदर जब ओपन करेंगे तो आपको ये मटेरियल वहां पे मिलेगा। यहाँ पे हमारे पास है लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर आपको अवेलेबल होगा। सबसे पहले हम कोर्स आउटलाइन को ओपन करके देख लेते हैं। कोर्स आउटलाइन पे क्लिक करेंगे आपकी ये आउटलाइन डाउनलोड हो जाएगी। आउटलाइन को ओपन करें, ये हमारे पास आउटलाइन आ गई है। आप यहाँ पे देखें, यहाँ से आप मेरा ईमेल आईडी ले सकते हैं, अगर आपको कोई भी मसला होता है किसी किस्म का तो मुझे मेल कर सकते हैं। कोर्स कोड जिन लोगों बच्चों को चाहिए थे ये आपके कोर्स कोड लिखे हुए हैं। ये बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं, ये दो बुक्स हैं जिनको हम कुछ टॉपिक इसमें से करेंगे, कुछ टॉपिक इसमें करेंगे। यहाँ पे भी आपको लिंक दिया हुआ है कोर्स का, जिससे आप क्लिक करके एलएमएस पे उसी पेज पे चले जाएंगे, वहां पे एनरोलमेंट की देंगे तो आप एंटर हो जाएंगे उस कोर्स के अंदर, एनरोल्ड हो जाएंगे। इंट्रोडक्शन आज हम करेंगे इस कोर्स का। एक इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पे है जिसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, हमारा ये असेसमेंट क्राइटेरिया है। असाइनमेंट 10%, क्विजिस 15%, मिड टर्म 25%, प्रोजेक्ट 10%, फाइनल टर्म 40%। आपका ये असेसमेंट क्राइटेरिया लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये आपकी जो कोर्स आउटलाइन होगी इसके अंदर ये दिया हुआ होगा, इसको मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है, जिसके अंदर हम यहाँ पे असाइनमेंट की वेटेज जो होगी वो हमने 10% रखी हुई है, क्विजेस की भी हम 10% रखेंगे और ये प्रोजेक्ट की हम 15 कर देंगे। इसको
को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे और मैं अपडेट कर दूंगी आपको कि हमारा क्राइटेरिया क्या होगा। उसके बाद आपको वीकली प्लान दिया हुआ है कि हर वीक के अंदर आप कौन कौन से लेक्चर पढ़ेंगे, वो लेक्चर किस टॉपिक, किस बुक के किस चैप्टर में से होंगे और उसमें हम क्या परफॉर्म करेंगे। एक मेन टॉपिक है उसके अंदर ओवरऑल सब टॉपिक दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने पढ़ने हैं, ये सारा प्लान आपको दिया हुआ है, ये आप डाउनलोड करके वहां से व्यू कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखते हैं LMS पे तो आपके पास ये वीक वन आ जाएगा। वीक वन में से आपने ये डाउनलोड कर लेना है लेक्चर। आपको स्लाइड शो हो रही है, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक। अभी आपको स्लाइड शो हो रही है? यस मैम। ठीक है, अच्छा, हमारा इस कोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू फैमिलियराइज स्टूडेंट टू द फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, टेक्निक्स, प्रोसेस, मेथड एंड टूल्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। हम देखेंगे इस कोर्स में हमने क्या करना है। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग देखेंगे होती क्या है, डेफिनेशन, इसको हम इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं, क्यों इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर में इंजीनियरिंग कहाँ से आ गई, इसको इंजीनियरिंग क्यों कहा जाता है और इसके अंदर कौन सी टेक्निक्स, कौन से कॉन्सेप्ट, मेथड्स, कौन से टूल को यूज करके सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं, तो वो हम ये कहते हैं वेल इंजीनियर्ड सॉफ्टवेयर है। और वो ज्यादा अब ऐसी कौन सी चीजें होती हैं, अगर एक वो कॉमन एक बंदा है जिसने डिग्री नहीं गेट की, वो भी सॉफ्टवेयर बनाता है, और आपने 4 साल की ये डिग्री गेट की है, दोनों के सॉफ्टवेयर बनाने में क्या फर्क होगा? दोनों के अब मैं कहती हूँ अगर आप भी उसकी तरह का सॉफ्टवेयर बनाते हो तो फिर आपकी डिग्री लेने का तो कोई फायदा नहीं है। कौन सी ऐसी चीज है जो आपके बने हुए सॉफ्टवेयर को उससे डिफ्रेंशिएट करेगी, जो एक कॉमन बंदा कोई भी मार्केट में कहीं से कोडिंग प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स पढ़ लेता है और वो सॉफ्टवेयर बनाना शुरू कर देता है, उसके बनाए हुए सॉफ्टवेयर और एक स्टूडेंट जो आपकी तरह सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसने पढ़ी है, जिसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की है, उसके सॉफ्टवेयर बनाने में क्या फर्क होगा, कैसे डिफ्रेंशिएट होगा? इस कोर्स में हम वो चीजें, वो स्किल्स डेवलप करेंगे, वो टेक्निक्स, वो प्रोसेस पढ़ेंगे जिनके थ्रू हम सॉफ्टवेयर बनाएंगे, और वो सॉफ्टवेयर जो होगा वो हम कहते हैं रिलायबल हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर होगा। जो चीज आपको फर्क करती है वो क्वालिटी होती है, आपके बनाए हुए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी और वो एक पर्सन के बनाए हुए सॉफ्टवेयर की क्वालिटी जिसने डिग्री नहीं गेट की, वो उसमें फर्क होता है। आप वो क्वालिटी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे लेके आनी है, कैसे आपने इंसर्ट करनी है, वो चीजें हम इस कोर्स में देखेंगे। हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, हाई क्वालिटी हम किसको कहते हैं, जो कि रिलायबल हो। रिलायबल का क्या मीनिंग होता है, जैसे फेसबुक है, फेसबुक पे बिलियंस पीपल होते हैं, लोग हैं, हर बंदा, हर स्टूडेंट, हर बच्चा इवन फेसबुक पे है आजकल, लेकिन वो क्रैश नहीं होती। हमारी वेबसाइट्स होती हैं, फॉर एग्जांपल हमारा रिजल्ट आया है
कोई वेबसाइट है हमारे बोर्ड की, हमारे यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, जिस दिन रिजल्ट आया है वो वेबसाइट ही डाउन हो जाती है, क्योंकि बहुत मल्टीपल लोग एक्सेस कर रहे होते हैं, वो लोग एक्सेस जब फॉर एग्जांपल 100 लोग कर रहे हैं तो वो चल रही है, 1000 लोग उस पर आ जाएंगे तो वो बियर ही नहीं कर पाती स्ट्रेस को और वो डाउन हो जाती है। और आपको अक्सर जब भी रिजल्ट आता है जिस दिन आपको वो वेबसाइट डाउन मिलती है आप रिजल्ट नहीं देख सकते, तो वो रिलायबल नहीं होती। अब फेसबुक है उस पर इतने ज्यादा लोग हैं लेकिन वो फिर भी क्रैश नहीं करती, वो रिलायबल है। अगर फेसबुक रिलायबल नहीं होती तो वो क्रैश हो जाती है उस केस में। मैम एक क्वेश्चन है। जी जी मैम एक क्वेश्चन है। जी बेटा पूछें। जिशान मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही, आपको कोई क्वेश्चन है आप पूछें। रिजल्ट चेक करते हैं वो जी भी रिलायबल नहीं, लोग चेक करते हैं बेटा रिलायबल नहीं होती क्या मतलब है? स्केलेबिलिटी नहीं होती। हम 10 यूजर के लिए सही चल रही होती है, 20 यूजर के लिए सही चल रही होती है, 50 यूजर, एकदम उस पे 1000 बंदा अगर आ गया है तो वो क्रैश कर जाती है। इसका मतलब है कि वो नहीं है, वो सेम नहीं कर रही, स्केलेबिलिटी उसमें नहीं है। मल्टीपल यूजर को हमारी सॉफ्ट बने हुए सॉफ्टवेयर में इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो मल्टीपल यूजर को एट ए टाइम एक्सेस कर सके, वो उसे फैसिलिटेट किया जा सके, मल्टीपल यूजर को एट ए टाइम फैसिलिटेट किया जाए उसमें इतनी कैपेबिलिटी नहीं है, तो वो क्रैश कर जाती है। ठीक है मैम समझ गया, वो मैं समझा था ना मेरा रिजल्ट नहीं शो हो रहा तो वो मैं समझा था शायद क्रैश कर गई। बेटा आपने फीस नहीं आज तो मैम इसमें हमें ये सिखाया जाएगा कि हम उसको किस तरह रिलायबल बनाने हैं। आपको समझ आ गई मैम मेरे क्वेश्चन की? एक मिनट वेट करें जी, आप क्या कह रहे हैं? एनरोलमेंट की किसकी? जूम का आईडी भी पूछ रहे हैं बेटा, शेयर किया होगा ना, मेल आई होगी उसमें से लेने आप, आपके पास मेल आई होगी आपके फेलोज में से जिन लोगों ने ज्वाइन कर ली होगी मीटिंग होनी आप आज आप लेक्चर ले लो इधर बैठ के, फिर आप मैम ईमेल कर दूंगी। ठीक है बैठ जाएं। अच्छा जी क्वेश्चन, आपका रिजल्ट शो नहीं हो रहा उस केस में क्या होगा कि आपकी जो आपने फीस सबमिट नहीं करवाई होगी वो आपको आपका रिजल्ट नहीं शो कर रहे होंगे। मैंने करवाई है और फिर फीस भी जमा करवाई है, फीडबैक भी दिया और आपने कहा था ओटीआर ऑफिस में जाना, मैं उधर भी गया। ओटीआर क्या कह रहे हैं? मुझे प्रिंट उन्होंने प्रिंट निकलवा के दी, रिजल्ट का कह रहे हैं इंटरनेट पे पता नहीं क्यों नहीं शो हो रही, तो मैं समझा था शायद स्ट्रेस ज्यादा हो, ज्यादा लोग तो वो मल्टीपल लोग एक्सेस कर। अच्छा आजकल हमारा कैसे चल रहा है देखें, आपका एड ड्रॉप वीक चल रहा है, एड ड्रॉप वीक के अंदर मल्टीपल लोग रजिस्टर करवा रहे हैं, कोर्स को एक्सेस कर रहे हैं, अब उसकी वजह से लोड हुआ है तो लोड को वो बियर नहीं कर पाती तो वो डाउन हो जाती है। जब मल्टीपल यूजर एक्सेस करते हैं तो आपकी वेबसाइट डाउन हो जाती है। अब आपको वो तो हमारी इस तरह से तो नहीं, हमें वेबसाइट बनानी चाहिए कि जब हमने 100 यूजर पे टेस्ट कर ली, 100 यूजर पे सही कर रही है काम, अगर कुछ अर्सा के बाद हमारे यूजर बढ़ गए हैं फॉर एग्जाम्पल 1000 यूजर हो गए हैं तो वो उस पर सही काम ही ना करें, जहाँ हम उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हम एक्सपेंड भी ना कर पाए, तो ऐसी कंडीशन में वो हमारा अच्छा सॉफ्टवेयर नहीं होगा। अगर कोई भी ले पर्सन जिसने मार्केट से प्रोग्रामिंग पे कोई कोर्स कर लिया है और वो सॉफ्टवेयर बनाने लग गया है तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाएगा कि वो बाद में उसे मेंटेन करना, इंप्रूव करना, एक्सपेंड करना मुश्किल होता है। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद ऐसा सॉफ्टवेयर बनाओगे जिसमें आप ये सारी बातें ऑलरेडी आपके माइंड में होंगी, फ्यूचर में आपकी प्रोडक्ट जो है उसमें मल्टीपल यूजर आ सकते हैं, उस केस में आप इसको कैसे सॉर्ट आउट करोगे, ये चीजें देखनी है। तो पोस्टर एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाई मैम, ये तो वेब होस्ट जी ये तो वेब होस्टिंग का नहीं काम होता जो वेबसाइट पे मैम
मैम ये बेटा आपके माइंड में चीजें होनी चाहिए कि ये चीजें अब मेंटेनेबिलिटी, मैंने फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ एक एक आपको जॉब के लिए यहाँ पे आए हो, मैंने आपको एक प्रोग्राम दिया है लिखने के लिए और एक आपके पार्टनर को प्रोग्राम लिखने के लिए दिया है, दो लोग आए हैं जॉब के लिए, एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, अब उस केस में आपने भी सही आउटपुट, आपके केस में भी आती है, दूसरे बच्चे की भी आउटपुट सही आ रही है, अब मैं उस दोनों में से किसको हायर करूंगी, दोनों में से जिसका प्रोग्राम जो होगा वो ज्यादा, फॉर एग्जांपल आपने लेस लाइन ऑफ कोड लिखी है और आप उसमें काम कर रहे हो सकता है उस केस में क्या होगी, उसकी एफिशिएंसी ज्यादा होगी, वो जल्दी चल जाएगा, एग्जीक्यूट ज्यादा हो जाएगा, जगह कम लेगा, कम वेरिएबल यूज हुए हुए हैं तो डेफिनेटली उसको प्रेफर किया जाएगा, हालांकि काम दोनों से हो रहा है, दोनों की आउटपुट सेम आ रही है, लेकिन उस स्टूडेंट को प्रेफर किया जाएगा जो कि जिसने ज्यादा इस तरह का कोड लिखा हुआ है, जो कि कम स्पेस ले रहा है, कम टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, टाइम कम्प्लेक्सिटी उसकी कम है, स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम है, इस तरह से वो उस केस में की जाती है। तो आप इस सारे कोर्स में क्या पढ़ोगे, थ्रू आउट सॉफ्टवेयर बनाने में हमने हर स्टेज पे किन चीजों को माइंड में रखना है, किन टूल्स को यूज करना है, किन टेक्निक्स को फॉलो करना है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो सारी इसकी जरूरत हमें क्यों आई, इसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे उसमें इन बातों को माइंड में रखते हुए और एक सिंपल जो ले मैंने सॉफ्टवेयर बनाया होगा दोनों में क्या फर्क होगा, ये चीजें आपने इस सारे कोर्स में देखनी है। ये आपका टॉपिक्स हैं जो इस कोर्स में हम करेंगे, फर्स्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, फर्स्ट है कोर्स का सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का इंट्रोडक्शन होगा, देन हम प्रोसेस मॉडल पे आ जाएंगे, डिफरेंट प्रोसेस मॉडल होते हैं, नाम सुना हो शायद आपने, वाटरफॉल, अजाइल डेवलपमेंट, इस तरह के डिफरेंट मॉडल्स होते हैं कि हमने सॉफ्टवेयर, अब अगर बात होती है सॉफ्टवेयर बनाना है, फॉर एग्जांपल आपसे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में पूछा जा सकता है कि आपने ये एक प्रोजेक्ट किया है, ये प्रोजेक्ट में कौन सा मॉडल आपने फॉलो किया है, आपने बताना है, आपने कह दिया स्पाइरल मॉडल फॉलो किया है, स्पाइरल किस सिचुएशन में अप्लाई हो सकता है, क्या आपका सॉफ्टवेयर वो है, कौन सी सिचुएशन में कौन सा मॉडल ज्यादा फिजिबल होता है, हमने यहाँ पे ये लर्न करना है, मॉडल किया है कि हम पूरा देख रहे हैं कि हम अपना सॉफ्टवेयर किस टेक्निक किस प्रोसेस के थ्रू बनाएंगे, अब कौन सा प्रोसेस किस तरह के सॉफ्टवेयर के लिए ज्यादा बेटर होता है, अगर हम एक गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो कि 10 साल का है, अब इतना लेंथी प्रोजेक्ट है और जिसकी रिक्वायरमेंट पहले से फाइनलाइज है, उस केस में कौन सा प्रोसेस मॉडल ज्यादा बेटर होगा, और जिसकी रिक्वायरमेंट अभी फाइनलाइज नहीं है, जो कि 6 महीने का प्रोजेक्ट है और रिक्वायरमेंट हमें क्लियर नहीं पता, तो उस केस में कौन सा मॉडल ज्यादा बेटर होगा, ये हम इस सारे में डिफरेंट प्रोसेस मॉडल पढ़ेंगे और देखेंगे किस सिचुएशन में कौन सा मॉडल ज्यादा बेटर होता है। थर्ड पे आ जाता है हम एनालिसिस मॉडलिंग करेंगे, इसमें डिफरेंट मॉडलिंग टेक्निक, जैसे रिक्वायरमेंट आपने यूजर से ले ली है, अब यूजर से रिक्वायरमेंट्स आपने ली उसको गेट करने के भी डिफरेंट तरीके हो सकते हैं, आपने रिक्वायरमेंट कैसे गेट करनी है, फॉर एग्जाम्पल एक होता है यूजर से आप जाके पूछें काम कैसे करना है, उसमें भी यूजर डिफरेंट रहता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछती हूँ आप असाइनमेंट कैसे बनाते हैं, आप लोग वो असाइनमेंट जो बताओगे वो एक टोटली डिफरेंट वे में बताओगे, आप वो जब इंसान की ह्यूमन साइकी या नेचर है कि जब उसे कोई ऑब्जर्व कर रहा होता है वो डिफरेंट तरह से बिहेव करने लग जाता है, नॉर्मली आप लोग डिफरेंट तरह से बिहेव कर रहे होंगे, जब आपको ऑब्जर्व किया जाएगा आप डिफरेंट बिहेव करोगे, अब जब आपको ऑब्जर्व किया जाता है तो वो रिक्वायरमेंट्स जो होती है आपको, आप परफेक्ट काम करने लग जाते हो, आप एक्चुअल में जो काम होता है वैसे नहीं करते बल्कि परफेक्शन की तरफ आ जाते हो कि हम ऐसे करते हैं, एक्चुअल में आप नहीं कर रहे होते, जब आपने डिफरेंट तरह से काम किया, मैंने आपको ऑब्जर्व करके रिक्वायरमेंट ली कि आप ये काम इस तरह से कर रहे हो तो मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाना है, अब जब मैंने ऑब्जर्व किया मैंने उसके अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बना दिया, तो वो रिक्वायरमेंट्स एग्जैक्टली आपकी नीड को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएगी, जैसे मैं आपको दो एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल है मैं आती हूँ क्लास में, आपको पता है टीचर क्लास में आ गई है, आपने एक काम एक प्रोसेस दिया हुआ है, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए दी हुई है, आप वो काम जब मैं आपको देख रही हूँ तो आप किस तरह से करते हो, वो कुछ स्टेप्स को आप फॉलो करोगे, अरे टास्क क्या होता है कि मैं इस तरह से, आप लोग कैफे में बैठे हुए हो, मैं भी जाके कैफे में आपके साथ बैठ जाती हूँ,
कहती हूँ मैं मतलब फलां फलां बैच की एक स्टूडेंट हूँ और मैंने भी आपके साथ ऐसी पढ़नी है और हमें टास्क मिला होता है, अब मैं आपके साथ बैठ के वो काम करना शुरू कर देती हूँ, तब मैं देखूंगी आप किस तरह से काम परफॉर्म करते हो। जो काम आप उस वे में परफॉर्म करोगे, जो कैफे में बैठ के, वो एक्जेक्टली आपकी नीड्स को रिप्रेजेंट है, वहां से मुझे पता चलेगा एक्चुअल में आप काम क्या करते हो। अब मैं इस वे में जो रिक्वायरमेंट गैदर करूंगी वो एक्चुअल नीड्स होंगी आपकी, और जब मैं एज ए टीचर क्लास में आती हूँ और मैं देखती हूँ कि आप किस तरह से कर रही हो, तो आप प्रिटेंड करोगे उस सिचुएशन में, उस तरह से जो आप प्रिटेंड करके जो मैं नीड्स आपकी रिक्वायरमेंट कैलकुलेट गैदर करूंगी वो एक्चुअली आपकी नीड को रिप्रेजेंट नहीं कर रही होंगी। तो इसमें हम डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे कि हम यूजर की रिक्वायरमेंट, यूजर से रिक्वायरमेंट कैसे गैदर कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए। अब एक बंदा आया है आपके पास, ले मैंने कोई भी, उसने कहा है फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है कोडर चलाता है, थोड़े पैसे उसके पास ज्यादा आ गए हैं, उसने कहा है कि अब मैंने सुना है कि सॉफ्टवेयर बनाते जो होता है ना वो फला फला मेरे कंपटीटर ने भी सॉफ्टवेयर बनवाया हुआ है, वेबसाइट बनवाई हुई है फॉर एग्जाम्पल, और मैं भी वेबसाइट बना लेता हूँ, मेरा बिजनेस ज्यादा अच्छा हो जाएगा। उस केस में आप क्या करते हो, आप उसकी, वो कहता है उसको कुछ भी नहीं पता, ले मैंने उसको टेक्निकली कुछ कोई चीज भी नहीं पता, वो कहता है कि वो कनाडा का ये फलाना होटल है इसकी तरह की मुझे वेबसाइट बना दो, कोई एक्स वाई जी होटल है उसकी तरह की वेबसाइट मुझे बनानी है। उस केस में आप क्या करते हैं, आप वो वेबसाइट को जाके देखते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट देख लेते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें, और वैसे वेबसाइट बना के आप उसे दे देते हैं। आप कुछ दिन के बाद उसकी वेबसाइट जो है वो यूटिलाइज नहीं होती, तो इस केस में मिस्टेक किसकी है, क्या यूजर की साइड पे वो मिस्टेक है जो बनाने वाला है उसकी साइड पे है, या किसकी साइड पे मिस्टेक है। एक और बात कि जी मैम मिस्टेक किस टाइप की, यूजर ने जो चीज रिक्वायर की तो हम, यूजर ने कहा मुझे कनाडा के वो होटल है एक्स वाई जी उसकी तरह की वेबसाइट मेरे होटल के भी बना दो, ठीक है आपने बना दी वैसी वेबसाइट। मैम आपकी आवाज कट रही है, तो यूजर ने कहा कि कनाडा का वो कोई एक्स वाई जी होटल है उसकी तरह की वेबसाइट मुझे बना दो, और आपने बना दी। अब जब वो एक्चुअल में यूज हुई तो जो होटल के यूजर कौन होते हैं, क्लाइंट ने तो आपसे वेबसाइट बनवा ली, आप होटल में जो लोग आते हैं खाना खाते हैं वो जो सारी उनकी सर्विसेज देते हैं, यूजर तो वो होते हैं जिन्होंने एक्चुअल में वो वेबसाइट यूज करनी है, अब उन लोगों ने उसको यूज नहीं किया, अंडर यूटिलाइज हो गई, वो लोगों ने वेबसाइट यूज नहीं की, तो इसमें किसकी गलती है यहाँ पे। मैम ये तो जो वेबसाइट ऑनर है उसने पब्लिसिटी नहीं की थी तरह से या मार्केटिंग नहीं की, हमने तो अपना मतलब उसको डेवलप करके प्रॉपर्ली बनाकर तो दे दी ना। पब्लिसिटी भी बेटा, पब्लिसिटी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं पब्लिसिटी भी हो गई, लेकिन जब पब्लिसिटी हो गई यूजर्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप, मैंने उस होटल में खाना खाना है, मैंने उसकी वेबसाइट पे गई हूँ लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, मैंने नहीं यूज की, तो उस केस में किसकी मिस्टेक है। यूजर जो है वो कभी भी डम नहीं हो सकता, कुछ भी होगा गलती यूजर की साइड पे है ही नहीं, आपकी साइड पे है, बनाने वाला जो है वो गलत है, आपने यूजर को कभी आप ब्लेम कर ही नहीं सकते कि यूजर गलत है, ये पक्की पक्की अपने ज़हन में माइंड में बात बिठा लें कि यूजर कभी डम नहीं हो सकता जो भी बात होगी। अब इतनी सिचुएशन ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इतनी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिन पे हमें नहीं पता होता कि एक्चुअल में, अब यहाँ पे जो क्लाइंट था हमारा, क्लाइंट को नहीं पता, टेक्निकली वो इतना स्ट्रांग नहीं है, उसे नहीं पता, उसने जस्ट आपसे कहा मुझे उस तरह की वेबसाइट बना दो, अब यहाँ पे क्या वो वाली वेबसाइट हमारे एनवायरनमेंट के लिहाज से ठीक होगी, क्या वो हमारे एनवायरनमेंट में ठीक चलेगी,
क्या वो हमारे यूजर जो होंगे वो उसको एक्सेप्ट करेंगे उस वेबसाइट को, उनके एक्सेप्टेंस लेवल होगा, वो उसको उस तरह से लेके चलेंगे, क्या वो स्पेसिफिकली जैसे कनाडा का जो एनवायरनमेंट था उसके लिहाज से ठीक थी, यहाँ पे भी ठीक होगी, ये चेक करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यूजर क्लाइंट वाला जो है वो उसको बिल्कुल नहीं पता, आपने चेक करके आपने उसे दोबारा से बताना है, आपने उसके साथ मीटिंग कर ली, आपने उसे बताना है कि ये हमने वेबसाइट देखी है, वहां से हमें ये चीजें मिली है, लेकिन अगर ये हम कर देंगे तो यहाँ ये मसले आ सकते हैं। आपने पहले उसकी चीजें क्लियर करनी है कि ये प्रॉब्लम हो सकते हैं उस केस में, क्या हम क्या करेंगे। फिर आपने यहाँ पे यूजर बनवाने वाला कभी भी गलत नहीं होता, आपने चीजों को एक्सप्लोर करना है। उस केस में आपको खुद इतना माइंड में चीजें होंगी, आपने ये सारी टेक्निक सीखी होगी, देन आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे हम कुछ रिक्वायरमेंट गैदरिंग की टेक्निक देखेंगे कि कैसे कैसे हम रिक्वायरमेंट गैदर कर सकते हैं। देन सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग आती है, सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग में हम डिफरेंट डायग्राम्स बनाएंगे, जैसे यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, स्विम लेन डायग्राम है, वो जो रिक्वायरमेंट्स हमने गैदर कर ली हैं अब हम उनको एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यूजर ने रिक्वायरमेंट दे दी R1, R2, R3, अब हमने एनालाइज करना है कि क्या वो रिक्वायरमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट, अब हम उस तरफ आ रहे हैं कि हम देखेंगे कि R1 जो है फॉर एग्जाम्पल वो कहता है लॉग इन होना चाहिए, तो यूज केस डायग्राम बना के आप उसको पिक्चर की फॉर्म में, रिक्वायरमेंट्स जो पहले आपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखी आप उनको पिक्चर बनाते हो, आप उनको डायग्राम डिफरेंट में बनाते हो, डिफरेंट तरह की डायग्राम्स होती हैं, वन बाय वन हर डायग्राम पे हमारा सेपरेट सेपरेट लेक्चर होगा। देन फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग में कुछ डायग्राम बनती है, डाटा फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम, प्रोसेसिंग डायग्राम। फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग, फ्लो का मीनिंग जैसे फ्लो का वर्ड है, इसमें डाटा के फ्लो को दिखाया जाता है, डाटा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, इनपुट और आउटपुट ये दिखाई जाती है फ्लो ओरिएंटेड मॉडलिंग में सिस्टम की। देन बिहेवियर मॉडलिंग पढ़ेंगे, बिहेवियर मॉडलिंग में भी हम स्टेट और सीक्वेंस डायग्राम पढ़ेंगे, सिस्टम आपका जो सॉफ्टवेयर है वो किन किन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, और अगर कोई एक्टिविटी परफॉर्म होती है, कोई इवेंट अकर होता है, तो सीक्वेंस में होगा। जी मम्मी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। जी जी बेटा थ्योरी होगी, डायग्राम्स की फॉर्म में हम बात करेंगे, हम यूजर से रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करनी है इसकी डिफरेंट टेक्निक्स देखेंगे, देन हम देखेंगे कि उन जो रिक्वायरमेंट हमने गैदर कर ली हैं उन रिक्वायरमेंट को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, एनालाइज करने के बाद उनको डायग्राम बनाएंगे, सिस्टम का आर्किटेक्चर बनाएंगे, देन डिजाइन बनाएंगे, ERD सिस्टम की बनाएंगे, सीक्वेंस स्टेट डायग्राम्स, मोस्टली बहुत ज्यादा हिस्सा डायग्राम्स के पे फोकस करेगा। उसके बाद हमने सिस्टम की टेस्टिंग कैसे करनी है, अब एक सिस्टम बन गया उसके लिए टेस्ट केस बनाएंगे, और हम लास्ट पे क्वालिटी की कुछ बातें करेंगे, प्रोसेस को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, ये स्टेप वाइज ये सारी बातें होंगी। क्लास डायग्राम हमने देखनी है, सॉफ्टवेयर का डिजाइन देखना है, आर्किटेक्चर बनाना है, सोर्स कोड मैनेजमेंट। अब एक कोड आपने लिखा है, आज आपने कुछ कोड लिख दिया है, अगले दिन आपने कोई और कोड लिखा है, अब आपको लगा है कि ये कोड मैंने बहुत मल्टीपल टाइम यूज करना है, मैं इसको एक फंक्शन बना लेता हूँ और इस फंक्शन में रख के तो इसको बार बार कॉल करवा लेते हैं, अब आपने पिछले कोड को थोड़ा सा वो खत्म करके फंक्शन और फंक्शन कॉल वहां लगानी है, तो ये आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, सोर्स कोड को इम्प्रूव करते जा रहे होते हैं। तो आपने अगर आपने प्रीवियस कोड को ही रखा होता है तो वो कोड बहुत लेंथी और बहुत इस तरह से बन जाता है कि बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं की जा सकती। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारी कंपनी जो थी वो बहुत छोटी थी, हमने 100 एम्प्लॉय को मैनेज कर रहे थे, उसके लिए सॉफ्टवेयर बनाया था, बाद में अगर हम उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हमारा एक्सपेंड करना पॉसिबल नहीं होता। पर अभी तो आप छोटा कोड लिखते हो, मैक्सिमम आपका 1000 लाइन ऑफ कोड हो गया, तो जब जैसे जैसे कोड बड़ा होता जाता है अगर आपने उसको मेंटेन नहीं किया हुआ, इम्प्रूव नहीं किया हुआ, अच्छी तरह से मैनेज नहीं किया हुआ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसमें सिर्फ हम सोर्स कोड की बात नहीं, इसके अलावा जैसे डॉक्यूमेंटेशन है, एक रिक्वायरमेंट है R1 के नाम से कोई रिक्वायरमेंट है, वो आती है, आपने उसको इम्प्लीमेंट किया है, बाद में क्लाइंट उसमें चेंज ले लिया जाता है, चेंज इनएविटेबल होता है, आपको पता है कि चेंज हर सूरत में आता रहता है, कभी भी हमारी रिक्वायरमेंट फाइनलाइज नहीं होती, चेंज आता रहता है। अब एक रिक्वायरमेंट है उसमें चेंज आ गया है, आपने R1 में चेंज करके उसका नया वर्जन आ गया R1.1, आपने R1.1 को जो इम्प्लीमेंट करना है
तो उसकी वजह से सारी डायग्राम्स में भी कुछ ना कुछ चेंज होगा, डायग्राम्स के अगले वर्जन आएंगे, तो आपने इस सारी चीजों को रिकॉर्ड में रखना होता है ताकि हमारी चीजें कुछ इस तरह से मिसमैच ना हो जाए, हमारे आर्किटेक्चर में कोई गलती ना आ जाए, तो इस सारी चीजों को मैनेज करना आपका टोटल कोड मैनेजमेंट कहलाता है। देन आपने टेस्टिंग करनी है, टेस्टिंग डिफरेंट मेथड टूल्स टेक्निक्स को यूज करते हुए कौन कौन से टाइप की टेस्टिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेस टेस्टिंग की हम बात कर रहे थे कि एक टाइम पे 50 यूजर जो है वो उस सिस्टम को यूज करते हैं तो वो सही चल रहा है, 1000 यूजर आते हैं तो वो सही नहीं चलता। तो हमने मैनेज करना है कि क्या जो हमारे एक तो टेस्टिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, इसमें टेस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, अल्फा बीटा रिग्रेशन टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग के डिफरेंट टाइप्स देखेंगे, टेस्ट केसेस कैसे बनाए जाते हैं, हर रिक्वायरमेंट के अगेंस्ट टेस्ट केसेस बनाए जाते हैं और उनको टेस्ट करना देखेंगे। उसके बाद मेंटेनेंस, मेंटेनेंस में क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर बन गया, आपने डिप्लॉय कर दिया, क्लाइंट को जाके दे दिया है, तो उसके बाद आपके खत्म नहीं हो जाता कि अब आपका खत्म हो गया काम, अब आपने कुछ नहीं करना। क्लाइंट कुछ ना कुछ टाइम के बाद कुछ प्रॉब्लम्स लेके आपके पास आता रहता है कि ये मसला हो गया, ये मसला हो गया, तो आपने उसको सॉल्व करके भी देना होता है। जैसे कुछ सम टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाता है कि हम आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे, उसके बदले में जैसे आपका एक साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि साल के बाद आपको इतनी पेमेंट की जाएगी करेगी और साल के अंदर जितने भी मसले आएंगे वो आप सॉल्व करके देंगे उस सॉफ्टवेयर के, या आप पर विजिट मेंटेनेंस सेट कर लेते हो कि एक विजिट के हम इतना चार्ज करेंगे और हम आपको मेंटेनेंस प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर क्वालिटी, एक आप क्वालिटी सॉफ्टवेयर के अंदर कैसे लेके आ सकते हैं, क्वालिटी की कुछ चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारा बिजनेस एथिक्स पे होगा कि हम सॉफ्टवेयर में एथिक्स एथिकली कौन कौन सी पॉलिसीज को हमने माइंड में रखना होता है और सॉफ्टवेयर इस तरह से बनाए कि वो इस तरह से बना हुआ हो कि जो सारे चीजों को माइंड में रखते हुए कि आपने गवर्नमेंट लॉज को बहुत सारी चीजों को माइंड में किसी की कॉपी नहीं की हो, किसी और सॉफ्टवेयर से सोर्स कोड को कॉपी करके आपने इस तरह से ना बनाया हो, तो ये सारी चीजों को माइंड में रखते हुए बनाना चाहिए। कोर्स लेंथी भी है, थ्योरी भी है और डायग्राम्स भी हैं, तो सम टाइम्स मुश्किल भी है, सम टाइम्स ये लिटिल बोरिंग आपको लगेगा, लेकिन इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इस तरह से इसे फील नहीं करना कि ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत बोरिंग हो गया है, इसकी इम्पोर्टेंस आपको इस तरह से फर्क पता चलेगी कि एक आप पूरी डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है और एक एक बंदे ने प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स करने के बाद बनाया है, तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, आप कैसे आपका डिफ्रेंशिएट करना चाहिए, आपके सॉफ्टवेयर में क्वालिटी नजर आनी चाहिए। आपने अगर इन सारी चीजों सिर्फ मैं आपकी ये नेक्स्ट वाली लाइफ जो आपकी मार्केट में लाइफ होनी है उसके लिए बता रही हूँ, अगर हम इसको नहीं भी सोचते तो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो होगा आपका बहुत ज्यादा हिस्सा जो होता है 50% से ज्यादा हिस्सा आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का जो है वो इस पे 60% से भी ज्यादा इस चीज पे बेस करता है। अगर ये कोर्स आप अच्छे से कर लोगे तो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट का 60% जो होगा वो सॉल्व हो जाएगा। ये कोर्स इतनी इंपॉर्टेंस रखता है, वहाँ आपने प्रपोजल देना होता है, वहाँ आपने डायग्राम देनी होती है, इंट्रोडक्शन SRS देनी होती है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो करवाई जाती हैं। अच्छा, मैं इस कोर्स में भी आपसे एक प्रपोजल बनवाऊंगी जिसमें आपके ने रिक्वायरमेंट जैसे जैसे आपको टॉपिक्स मैं पढ़ाती जाऊंगी वो चीजें आपने साथ साथ करते जाना है, उसकी रिक्वायरमेंट आपने फाइनलाइज करनी है, देन आपने उसके रिक्वायरमेंट्स के बाद एनालाइज करना है, डायग्राम्स बनानी है, यूज केस का टॉपिक पढ़ेंगे तो साथ आप यूज केस बना लेंगे, एक्टिविटी डायग्राम का टॉपिक जब मैं पढ़ाऊंगी तो उसके साथ आपने एक्टिविटी डायग्राम बना लेनी है, तो ऑन जैसे जैसे टॉपिक्स पढ़ेंगे साथ साथ आपने ये चीजें इम्प्लीमेंट करते जाना है। यहाँ पे एक टर्म लिखी हुई है, सॉफ्टवेयर कैन हैव ह्यूज इम्पैक्ट इन एनी एस्पेक्ट ऑफ अवर सोसाइटी। इम्पैक्ट होता है सॉफ्टवेयर का हमारी लाइफ पे, बहुत ज्यादा होता है, ऐसी हो चुकी है कि आपको एक सेकंड भी ऐसा नहीं गुजार रहे होते, आपके आपके मोबाइल फोन, आपकी वॉच, आप लैपटॉप, हर चीज के अंदर सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं
और कुछ जगह ऐसी होती हैं जिसमें सॉफ्टवेयर की छोटी छोटी गलतियां, आपने बहुत सी एग्जाम्पल देखी होंगी जिसमें सॉफ्टवेयर की छोटी छोटी गलतियों की वजह से बहुत बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। जैसे आपने एक सॉफ्टवेयर, जैसे एरोप्लेन के अंदर एरियन 5 है, वो क्रैश हुआ था। किस रीजन से हुआ था? सॉफ्टवेयर की एक छोटी सी गलती की वजह से। एक बिट का डिफरेंस आया था, इस बिट के डिफरेंस की वजह से, इधर नेक्स्ट मैंने एग्जांपल दी होगी, मैं वो आपको दिखाती हूँ, उसकी वजह से वो क्रैश कर गया था, जिसकी वजह से इतना बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। और दूसरा ये होता है, बहुत सी जो भी ह्यूमन लाइफ इन्वॉल्व होती है, जैसे एरोप्लेन का अगर सॉफ्टवेयर की किसी मिस्टेक की वजह से क्रैश कर जाता है, तो वहाँ पे जितने लोग हैं वो सारों की डेथ हो जाती है। आप क्रैश हो गया, डेथ हो गई है, एक छोटी सी गलती की वजह से आपका इतना बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हमें सॉफ्टवेयर को अगर कोई ले पर्सन बनाएगा तो वो उसके माइंड में ये सारी चीजें नहीं होती, वो सॉफ्टवेयर को इस एंगल से नहीं देख रहा होता। आपके सॉफ्टवेयर को बनाने, सॉफ्टवेयर को देखने, आपके माइंड में और उसके माइंड में यही डिफरेंस होता है। यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स आपको सामने शो हो रही होंगी, पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स, JF-17 एंड गोरी मिसाइल। ये जहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर यहाँ पे भी यूज हो रहे होते हैं, फेसबुक हर बच्चे को पता होगी ये सॉफ्टवेयर का यूज है, गूगल हर वक्त, इवन हमारा इतना यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है कि हम नॉर्मली कोई भी चीज कहते हैं, कोई चीज नहीं पता होती तो हम ये नहीं कहते सर्च कर ले, हम कहते हैं गूगल कर ले, गूगल इट, गूगलिंग, ये हमारी टर्म बन चुकी हुई है। एक हर जगह पे हमारी पूरी लाइफ में सर दौरान कहते हैं कि गूगल इज द क्या, हमारे सर दौरान कहते हैं कि गूगल इज द बेस्ट सर्च इंजन, वो इसको इंजन कहते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? सर्च इंजन और ब्राउजर में आपने फर्क पढ़ा तो होगा आईसीपी में, जो इंट्रोडक्शन का कोर्स होता है। नहीं मैम, अभी ये अभी तक तो नहीं पढ़ा हमने शायद। बेटा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का एक कोर्स होता है, जब आप डिग्री में आते हो, प्रोग्राम एक होता है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, एक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का कोर्स होता है, वो सारे स्टूडेंट पढ़ते हैं। आप ऐसा पासी वाली नहीं कि आपकी डिग्री चली जाए, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है। उसके अंदर आपको सर्च इंजन 9th-10th की बुक्स में भी होगा, इवन आईसीटी पढ़ा हुआ है। जी जी, उसके अंदर मैंने पढ़ाया था। यस, सर्च इंजन और ब्राउजर का डिफरेंस होता है। तो आपको कोई भी चीज होती है बताने का मकसद ये है कि हर जगह पे हमारी पूरी लाइफ में सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं। हर अब सॉफ्टवेयर इतना ज्यादा हमारी लाइफ में इन हो चुका हुआ है कि इसके बगैर पॉसिबल ही नहीं है लाइफ। अब एक तरफ ये हो चुका है कि इतना ज्यादा इंसर्ट हो गया है, हमारी लाइफ का हिस्सा बन गया है कि इसके बगैर लाइफ गुजारना पॉसिबल नहीं। दूसरी तरफ ये है कि अगर कोई छोटी सी भी गलती हो जाए, जहाँ पे बड़ी बड़ी जैसे गोरी मसाइल है, जैसे एरोप्लेन्स है, यहाँ पे छोटी सी गलती की वजह से इतने डॉलर्स का नुकसान, मॉनेटरी नुकसान, उसके अलावा ह्यूमन लाइफ का भी नुकसान हो सकता है। तो हमें ये सारा कोर्स क्यों पढ़ाया जाता है? ताकि आप पढ़ने के बाद ऐसे सॉफ्टवेयर ना बनाएं जिसकी वजह से ये सारे नुकसान हों, बल्कि आप इन सारी तकनीक को माइंड में रखते हुए सॉफ्टवेयर बनाएं। कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में? कुछ कॉमन इश्यूज यहाँ लिखे हैं। द फाइनल सॉफ्टवेयर डज नॉट फुलफिल द नीड्स ऑफ कस्टमर। सबसे मोस्ट बेसिक रीजन क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलप जब आप कर रहे होते हो तो जो आपका प्रोडक्ट बनती है वो जो होती है कस्टमर की नीड को फुलफिल नहीं करती। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले होटल की, तो वो कस्टमर की नीड्स को फुलफिल नहीं कर रही थी, जो इसको यूज कर रहे थे यूजर की नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं होता सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर यूजर की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इधर यूजर को अपनी नीड्स पता है या नहीं पता? अगर यूजर अपनी नीड नहीं जानता तब भी यूजर कभी गलत नहीं हो सकता। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने उससे उसकी नीड्स को निकलवाना है। आप किस तरह से निकलवाओगे, किस तरह से आप फाइंड आउट करेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपने फाइंड आउट करना है कि जो यूजर है वो एक्चुअल में चाह क्या रहा है। अगर यूजर को नहीं जानता, यूजर ले मैंने वो आपके पास आके कहता है मुझे सॉफ्टवेयर बनवाना है, वो सॉफ्टवेयर बनाने में
अब रिक्वायरमेंट इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिफरेंट टेक्निक्स उसने पढ़ी होती है, उसने सीखा होता है उसने अपने एक्सपीरियंस से, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो फाइंड आउट करे कि एक्शन में उसके माइंड के अंदर किया है। हो सकता है कि वो वैसे कह ना पा रहा हो लेकिन उसके जहन में कोई और चीज हो, अगर वो लास्ट पे कह देगा कि उसे ये नहीं चाहिए तो आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरी क्या मेन मसला है दूसरा बड़ा, hard to extend and improve if you want to add a functionality later its mission impossible. ek lay person jaise koi maine aapko market ka banda bataya hai, market mein koi banda software bana raha hai aur aap bana rahe ho, usse kya farak hoga, aapne usko kitne managed way mein banaya hoga, jaise aapne ek source code likha hai aapne uske baad multiple times use kiya, aapne uska function create kar liya usko separate rakh liya, saath aapne uski coding likhi hui hai, aapne uski diagram banayi hui hai, रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, अगर एक रिक्वायरमेंट चेंज होती है, अब एक ले पर्सन जो है वो रिक्वायरमेंट चेंज हुई है उसने बाद में ऐड कर दी है वो रिक्वायरमेंट, और कुछ भी नहीं किया सिर्फ कोडिंग में ऐड करके उसने चला दिया आगे काम, बाद में कोई चेंज होगा हमें पता ही नहीं चलेगा। आप उससे प्रॉपर रिक्वायरमेंट में अपडेशन होगी तो आप कहोगे कि ये रिक्वायरमेंट चेंज हुई है R1 तो इसकी वजह से हमारा टाइम इतना ज्यादा लगेगा और कास्ट भी बढ़ेगी। अब अगर तुम्हें एक्सेप्टेबल है कि इतना टाइम ज्यादा लगना और इतनी कास्ट बढ़ना तो हम इस पर एग्रीमेंट कर लेते हैं, एग्रीमेंट पे आप साइन करवाओगे, साइन करवाने के बाद आप वो रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट करोगे, डॉक्यूमेंटेड हर चीज होगी तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा और बाद में उसमें चेंजेस करना भी ज्यादा आसान होगा। फॉर एग्जांपल आप एक रिक्वायरमेंट आती है, अगर मेरे पास डॉक्यूमेंटेड हर चीज होती है तो मैं देख लेती हूँ कि इस रिक्वायरमेंट के आने से अगर मैं इस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करूंगी तो मेरे पास मेरी कितनी डायग्राम चेंज होगी, मेरी क्लास डायग्राम चेंज होगी, मेरी यूज केस डायग्राम चेंज होगी, कितनी डायग्राम में कितना चेंज आएगा और मैं किस हद तक इसको कितना मतलब कितनी एफर्ट लगानी पड़ेगी, उस एफर्ट के अकॉर्डिंग आप कॉस्ट भी देख लेते हो कि मुझे कितनी कास्ट और मांगनी चाहिए, कितनी कास्ट लगेगी, और आप उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेते हो और आपको ऐड करना भी नए मॉड्यूल्स ऐड करना ईजी हो जाता है अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टेक्निक के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनाया होता है। कॉमन इशू ये आते हैं कि हमारे नया सॉफ्टवेयर को इम्प्रूव करना से मेंटेन करना मुश्किल होता है। बैड डॉक्यूमेंटेशन, बैड तो छोड़ के बल्कि होती ही नहीं है, मार्केट में आप देखेंगे ऐसे ऐसे लोग सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं, इवन सॉफ्टवेयर हाउस बना के बैठे होते हैं जिन जो डॉक्यूमेंटेशन करते ही नहीं है, सिरे से करते ही नहीं है। इतना बड़ा मसला ये है कि बैड डॉक्यूमेंटेशन होती है और डॉक्यूमेंटेशन की ही जाती है हमारे यहाँ। बैड क्वालिटी, क्वालिटी तो होती नहीं है, क्वालिटी को मेजर करने के लिए डिफरेंट मेजर्स मैट्रिक्स हम यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एरर्स आती हैं यूज करना मुश्किल होता है, ये एक बैड क्वालिटी है। फॉर एग्जांपल आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, दो सॉफ्टवेयर हैं, एक स्टूडेंट ए ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, स्टूडेंट बी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, सेम सॉफ्टवेयर। अब मैं यूजर्स को दिखाऊंगी, यूजर उसे यूज करते हैं, बी को वो अडॉप्ट कर लेते हैं, ए को नहीं करते। बेशक आपने पीछे बिल्कुल सेम लॉजिक सेम सब कुछ सेम रखा था, बी ने जो है वो इंटरफेस की कुछ टेक्निक्स पढ़ी हुई थी कि यूजर इंटरफेस जो होता है हमें ऐसा बनाना चाहिए जो कि यूजर उस पे जो मीनिंग ले रहा हो, जो परसीव कर रहा हो, वो वही काम परफॉर्म करे, वो उसी मकसद के लिए बनाया जाए। अगर वो उसने वो चीजें सारी माइंड में रखते हुए बनाया है तो वो उसकी प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो गई, हालांकि उसने भी उतनी मेहनत की, बी ने भी उतनी मेहनत की, सेम बोथ उसने हाईफाई किस्म के बैकएंड बनाया, डेटाबेस बनाई हुई, सब कुछ काम किया हुआ है, लेकिन जब उसका फ्रंट एंड जो यूजर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो वो उसकी प्रोडक्ट बी वाले की अनसक्सेसफुल हो गई, ए की सक्सेसफुल हो गई और बी का बिलियन डॉलर का नुकसान हो गया। आपने इन सारी चीजों को देखना होता है, मोर टाइम एंड कॉस्ट देन एक्सपेक्टेड, ये तो हर वक्त ही होता है, आपको मोस्टली जो आपने टाइम पहले सोचा होता है, आपने जितनी कास्ट में डिसाइड होता है, फॉर एग्जांपल मैंने कहा है कि नौ के दिन माल में बनेगा, ना अगर एक माल में नहीं बनता कोई नहीं है, जो मैं भी दो हम देने का काम डिसाइड होती है, मेरे पीछे से आवाज आ रही है, आप म्यूट कर लेना, आपकी सही नहीं थी आ रही आवाज। अच्छा मोस्टली ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर जो है वो दो साल के लिए आपने रखा है, दो साल और 2 बिलियंस में आप बनाएंगे, अब आपका क्या होगा, हमेशा एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर हम किसे कहते हैं जो कि विद इन टाइम बने, विद इन कास्ट बने और यूजर उससे सेटिस्फाई हो। अब
मोस्टली क्या होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं. 95% फेलियर रेट था सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट का. फेलियर का क्या मतलब है, या तो वो टाइम एक्सीड कर गए हैं या वो कॉस्टिंग एक्सीड कर गए हैं. 2 साल के लिए कहा था 2 साल में बनेगा वो, या फिर 3 साल में बन रहा है. हमने 2 बिलियन में कहा था वो 2.5 बिलियन में बन रहा है, 3 बिलियन में बन रहा है. कॉस्ट इंक्रीज कर गई है या टाइम इंक्रीज कर गया है या उसकी क्वालिटी वो नहीं है, यूजर सेटिस्फाई नहीं है, तो ये सारी चीज़ों को हमारे मोस्टली प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल हो जाते हैं. अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की ज़रूरत क्यों पेश आई, इन ये सब प्रॉब्लम्स की वजह से हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आई कि हम इन सारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाई गई है. मोस्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के जो इंट्रोडक्टरी कोर्सेज होते हैं उन सब में ये डायग्राम दिखाई जाती है. ये डायग्राम मैंने projectcartoon.com से ली है, वहां जाके आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, इसके डिफरेंट वर्जन बना सकते हैं. अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लें, आपको ये बेसिक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा दे देगी. इसको अच्छे से थोड़ा गौर से देखिएगा. सबसे पहले देखें फर्स्ट जो है इसमें क्या है, एक ये ट्री है, इसके साथ हैंग हुआ हुआ है, 3 स्टेप्स हैं, नजर आ रहा है सबको. यहाँ पे ये है हाउ द कस्टमर एक्सप्लेन्ड इट. आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कस्टमर ने एक चीज बनवानी है, कस्टमर आपके पास आया, कस्टमर ने आपको एक्सप्लेन किया है कि मुझे ये चीज चाहिए, वो अपनी रिक्वायरमेंट्स आपको दे रहा है, तो उसने ऐसे एक्सप्लेन किया है कि मुझे ये एक झूला चाहिए जिसके अंदर 3 स्टेप्स हों और ये इस तरह का झूला चाहिए, ठीक है, ये इस तरह से कस्टमर ने आपको एक्सप्लेन किया. अब सेकंड पे आ जाते हैं हाउ द प्रोजेक्ट लीडर अंडरस्टूड इट. अब कस्टमर ने इसको एक्सप्लेन इस तरह किया, लीडर ने इसको इस तरह से अंडरस्टैंड किया. इंग्लिश है, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है उसमें एम्बिग्यूटी होती है, इवन हमारी जो भी लैंग्वेज है लैंग्वेज में एम्बिग्यूटी होती है. एक बंदा जो एक बात एक वे में कर रहा है, दूसरा बंदा उसे किसी मल्टीपल वेज में इंटरप्रेट कर सकता है. 5 डिफरेंट लोग होंगे, उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट तरह से कर सकते हैं. अब ये कस्टमर ने एक्सप्लेन किया इस तरह से, आप जो लीडर था प्रोजेक्ट लीडर उसने उसे इस तरह से गेट किया, उसने ये इमेज बना लिया. एनालिसिस टीम डिजाइन इट. अच्छा, एक और बात यहाँ पे करने के लिए, जो सारी टीम होती है वो क्लाइंट से मिलने नहीं जाती. क्लाइंट से मिलने के लिए कोई आपका लीडर रिक्वायरमेंट इंजीनियर और मेन बंदे सिलेक्टेड होते हैं, वही जाते हैं. वो गए, उन्होंने उसको इस तरह से गेट कर लिया लीडर ने. मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है. मैम जो मेरे मैम आपकी आवाज नहीं आई, दोबारा रिपीट कीजिएगा. अच्छा ठीक है बेटा, यहाँ तक पता चल गया है कि कस्टमर ने ये चीज मांगी है, कस्टमर ने एक्सप्लेन किया है कि मुझे ये चाहिए. अब एक लीडर है जो प्रोजेक्ट लीडर है वो उसने उसको इस तरह से गेट किया है. यहाँ पे एनालिसिस टीम आ गई है. यहाँ पे मैंने बताया है कि जो सारी टीम होती है वो क्लाइंट के पास नहीं जाती, सिर्फ लीडर या रिक्वायरमेंट इंजीनियर या कोई स्पेसिफिक बंदे आपने हायर किए होते हैं उनको ये असाइन किया होता है आपने रिक्वायरमेंट लेके आनी है. अब जो लोग क्लाइंट से मिले उन्होंने इस तरह से गेट किया, उन्होंने आके एनालिसिस टीम को बताया कि आपने डिजाइन बनाना है. अब डिजाइन वालों ने क्या बना दिया उसको, उन्होंने कहा ये तो दरमियान में ये स्टेम आ गया है, तना आ गया है, तो ये तो मूव भी नहीं कर सकेगा, हम ना दरमियान में से इसको काट देते हैं और साइडों पे ना सपोर्ट लगा देते हैं तो ये स्विंग हो जाएगा. एनालिसिस वाली टीम ने उसको इस तरह से अंडर वो कर लिया, मैनिपुलेट कर लिया थोड़ा सा. अब प्रोग्रामर ने आगे क्या कोड लिखा, उसने ये कोड लिख के ये बना दिया. यहाँ पे जो बिजनेस टीम थी जो मार्केटिंग वाले लोग थे उसने उसे कैसे मार्केट किया, लोगों को किस तरह से प्रेजेंट किया कि हमने क्या चीज बनाई है, क्लाइंट को कैसे प्रेजेंट किया कि हमने क्या चीज बनाई है, ये मार्केटिंग वाले लोगों ने. डॉक्यूमेंट उस चीज की कैसे बनाई गई, इसका मतलब ये है कि कोई डॉक्यूमेंट थी नहीं, डॉक्यूमेंट बनाई नहीं आपने, हमारी मोस्टली ये होता है कि डॉक्यूमेंट बनाई जाती. ऑपरेशन के एक्चुअल में कस्टमर की साइड पे जाके इंस्टॉल किया गया, ये एक ये स्ट्रिंग रह गई है ये इंस्टॉल किया. और कस्टमर से बिल कैसे लिया गया, रोलर कोस्टर बिल, ये बनाने का मकसद क्या है कि उससे आपने सही तरह से बिल दिया, बहुत ज्यादा आपने उसको पे किया, उससे मतलब कॉस्ट आपने ली अच्छी तरह से
कस्टमर से, रोलर कोस्टर दिखाने का मतलब ये है. सपोर्ट का मतलब क्या है, जैसे बाद में कोई मसला आता है तो आपने उसको जाके सॉल्व करना होता है, तो आपने वो भी ना होने के बराबर है, आपने उसको सपोर्ट नहीं दी. ये लास्ट वन क्या आया है, व्हाट द कस्टमर रियली नीडेड, एक्चुअल में कस्टमर को चाहिए क्या था. ये देखें अब यहाँ पे, ये बहुत मजे की, ये मजे की चीज है यहाँ पे बहुत, के आप ये देखें कस्टमर को एक्चुअल में चाहिए ये था और कस्टमर आप क्या ये रहा था. कस्टमर खुद भी नहीं जानता था कि उसने कैसे प्रेजेंट करना है. आप एज ए रिक्वायरमेंट इंजीनियर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि एक्चुअल में कस्टमर के जेन में क्या चीज है वो निकलवाना. अब देखें हम एक स्टेज से दूसरी स्टेज में जाते जाते चीज को कितना डिफरेंट करते जाते हैं, और लास्ट पे वो चीज जो होती है वो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बनती, यूजर की नीड को फुलफिल नहीं कर रही होती. तो आपने इस चीज में ये नोट करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये देखें, कस्टमर जेन में कोई और बात की उसके और उसने आपको प्रेजेंट कुछ और किया. एक्चुअल में हमें ये उगलवाना होता है कस्टमर के माइंड से कि वो क्या कह रहा है. जब वो आपने निकलवा लिया तो हर स्टेप पे ये देखें चेंज होता गया है, हमें ये चेंजेस नहीं करनी होती जब हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करेंगे. अब यहाँ पे जब मैंने कस्टमर रिक्वायरमेंट इंजीनियर ने एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ले ली डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, उसे डॉक्यूमेंट कर ली, तो उसमें चेंजेस होने की पॉसिबिलिटी नहीं है. देन कभी भी एनालिस्ट उसे अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकता कि वो स्टैम्प कार्ड किस तरह से लगा देगा. तो वहां पे चेंजेस, अगर आपने डॉक्यूमेंट नहीं की तो चेंजेस होने की हर स्टेप में पॉसिबिलिटी होती है, और वो आगे जाके चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से बाद में बहुत चेंज होती जाती है और वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर बनता नहीं है, जिसको ना इम्प्रूव किया जा सकता है. कस्टमर रिजेक्ट कर देते हैं, जब कस्टमर क्लाइंट उसे यूज नहीं करेगा वो प्रोडक्ट अनसक्सेसफुल होगी और उसके सारे पैसे भी लॉस हो जाएंगे और आपकी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी, तो आपको नेक्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ऑर्डर भी नहीं करेगा. इस डायग्राम की समझ आ गई है? यस मैम. लग रहा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की इंपॉर्टेंस लग रही है यहाँ से कुछ? आपने सर्च करना है. एक्चुअल में ये एरियन 4 के लिए एक सॉफ्टवेयर बना था और उसी सॉफ्टवेयर को यूज कर लिया गया था एरियन 5 में. अब इसका साइज बड़ा था, यहाँ पे एक बिट की मिस्टेक की वजह से ये क्रैश हो गया था. सॉफ्टवेयर की छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ था. आपने ये सर्च करना है, मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी इसकी डिटेल कि इसलिए ये क्रैश हुआ था, क्यों, किस गलती की वजह से हुआ था, ये सारी डिटेल मैं नेक्स्ट टाइम पूछूंगी आप नेक्स्ट क्लास में. अच्छा, ओवरऑल कंफ्यूजन क्या था सारी बातें करने का. प्रोग्रामिंग जो होती है हमारे माइंड में ये बना होता है, प्रोग्रामिंग जो होती है वो असल चीज होती है, तो प्रोग्रामिंग अकेले एनफ नहीं होती. प्रोग्रामिंग अगर आपको बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं आप तो वो एनफ नहीं होती. हो सकता है कि आपका इवन आप ऐसे 2 पढ़ेंगे या कोई चीज़ पढ़ेंगे उसमें आपको बताया जाएगा कि शायद आप उसका 15% हो सकती है ओवरऑल प्रोजेक्ट का, 10-15% हो सकती है, लेकिन प्रोग्रामिंग जो होती है वो टोटल नहीं होती, एनफ नहीं होती अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है. इट इज़ नॉट एनफ टू डू योर बेस्ट, यू मस्ट नाउ व्हाट टू डू एंड देन डू योर बेस्ट. इस लाइन से क्या समझ आती है? ये थोड़ा सा आपको मोटिवेट करने के लिए चीजें थी. एक तो आपका माइंड क्लियर करने की कि आपके माइंड में कुछ मिथ्स बने होते हैं, मिसकॉन्सेप्शंस होती हैं, उनको स्ट्रेट करने के लिए. और ये आपके माइंड में कि आपका बेस्ट करना एनफ नहीं होता, लेकिन पहले आप समझो कि आपने करना क्या है, देन आप बेस्ट करो. अब आपने रिक्वायरमेंट यूजर से समझी नहीं है, आपने क्या करना है, आपने उसमें इतनी एफर्ट पुट की है, इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग की है और उसके बाद में फिर भी यूज नहीं हुआ, क्या फायदा हुआ है उसका. यू मस्ट नाउ व्हाट टू डू एंड देन डू योर बेस्ट. मैम बेसिकली जो हमारे क्लाइंट्स हैं वो तो हमें जो है वो प्रोडक्ट के लिए हमें पे करते हैं ना, कि हमें ये सॉफ्टवेयर बना कर देना है. तो इसके अलावा अगर हम
اپنی ایفرٹس اس میں لگاتے ہیں کہ ہم ان سے مطلب ڈفرینٹ میتھڈز کے ذریعے ان کی ریکوائرمنٹس جاننے کی کوشش کریں, تو کیا اس کے چارجز وغیرہ الگ نہیں ہونے چاہیے؟ یا وہ تو وہ بھی ہوتا کیا ہے, اگر آپ سافٹ ویئر ہاؤس بناتے ہو نا, آپ کا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس ہے, تو آپ کی ریپوٹیشن بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ ایک سافٹ ویئر بنا رہے ہو, آپ نے کلائنٹ سے کہا ہے اور آپ نے کلائنٹ کو سمجھ نہیں آ رہی, کلائنٹ سے ایگزیکٹلی جانا, اب اس پروڈکٹ کا کیا فائدہ ہوگا کہ آپ نے بنا کے دے دیے. جیسے وہ میں نے آپ کو ایگزامپل دیا کہ ایک بندہ تھا, اس کے پاس پیسے آ گئے, اس نے کہا کہ میں اپنے ہوٹل کے لیے ویب سائٹ بناتا ہوں. اس نے کہا کینیڈا میں ایکس وائی زی ہوٹل ہے, اس کی طرح کی ویب سائٹ بنا دو. اب اس نے بنا دی, سارا آپ کی ایفرٹ, وہ ساری چیز یوٹیلائز ہوئی, اس نے پے کیا, وہ ساری چیزیں ہو گئی, اس کے بعد وہ چیز یوز ہی نہیں ہوئی, انڈر یوٹیلائزیشن ہوئی ہے. آپ کی ساری ایفرٹ کام کرنے, اس سارے کا کیا فائدہ ہوا جب مارکیٹ میں یوزر نے اسے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. آپ جو چیز بنا رہے ہو, آپ ایگزیکٹلی یوزر کی نیڈس کو پہلے فائنڈ آؤٹ کرو, اس کے اکارڈنگ جب سافٹ ویئر, یہ ایک چیز ہے ریکوائرمنٹ. ریکوائرمنٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کسی بھی سافٹ ویئر میں, ایک فیز ہوتی ہے. آپ ون بائی ون ہم ساری فیز پڑھیں گے. سافٹ ویئر کیسے بنتا ہے شاید آپ کو آئیڈیا ہو گیا. ریکوائرمنٹ فیز ہوتی ہے, ڈیزائن ہوتی ہے, امپلیمنٹیشن ہوتی ہے, ٹیسٹنگ ہوتی ہے, دین ڈپلائمنٹ ہوتی ہے, اس کے بعد مینٹیننس. تو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ہر فیز دیکھیں گے, ہر فیز میں کون سی ٹیکنیک, کون سے ٹولز یوز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ ماڈلز جو ہوتے ہیں وہ دیکھیں گے. بیٹا آپ نے مائک آف کر دیا, مائک بند کرو یار, بچے بول رہے ہیں پیچھے سے. تو میم جب ہم اپنے کلائنٹ سے اس کی ریکوائرمنٹس لے لیتے ہیں, تو اب ہم اس کام کو کس طرح کریں گے, اس کے کیا مطلب اسٹیپس ہوں گے, وہ ٹیکنیکلٹیز جو ہے اس کی وہ ہم پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. مطلب اس سے کلائنٹ کا کوئی کنسرن نہیں ہے, وہ ہماری مرضی ہے کہ ہم اس کو کس طرح کریں. کلائنٹ اس سے آپ کی اپنی ہوتی ہے, آپ اپنی مرضی سے کرو, مطلب اپنا بیسٹ. کلائنٹ کیا چیز, کلائنٹ سے جو آپ نے چیز, جیسے میں نے پریویس ایگزامپل دی ہے آپ کو وہ جھولے والی, کلائنٹ کو کلیئر ہی نہیں ہے وہ کیا بنوانا چاہ رہے ہیں. آپ اس کے ذہن میں کوئی اور بات چل رہی ہے, اس نے آپ سے کہہ دیا اور آپ کو پریزنٹ ہوا کہ اس نے آپ کو بات سمجھا دی ہے. اب اس کو لگا ہے کہ اس کے ذہن میں جو چیز تھی اس نے وہ بتا دیا, اور آپ نے اس کو انٹرپریٹ ہی کسی اور طرح سے کر لیا ہے, آپ نے ویسے بنا کے دے دیا ہے. اب کلائنٹ تو مانے گا نہیں, وہ کہے گا میں تو یہ چاہ نہیں رہا تھا. اب اس کے ذہن کے اندر جو بات ہوتی آپ نے ایکچوئل میں وہ بات اگلوانی تھی, اور یہ آپ کی ریسپانسبلٹی میں آتا ہے کہ آپ نے وہ چیز لینی ہے. دیکھیں کلیور پرسن جو ہے وہ پرابلم سالو کرتا ہے, وائز پرسن جو ہے وہ اوائڈ کر دیتا ہے. تو ایز اے سافٹ ویئر انجینئر آپ کو وائز پرسن کے طور پہ بیہیو کرنا ہے. آپ نے پرابلم کو آنے سے پہلے ہی, اب جو ایک لے پرسن ہوگا وہ سافٹ ویئر بنا کے جب مسئلہ آ گیا اس کے بعد اس کو سالو آؤٹ کرنے کے لیے طریقے نکالے گا. آپ نے سافٹ ویئر کو اس طرح بنانا ہے کہ آگے کوئی نئی چیز ایڈ کرنے کے لیے آتی ہے آپ کو کوئی مسئلہ ہی نہیں آئے گا. آپ کو پتا ہے آپ نے اسے مینٹین اس طرح سے بنا, جیسے آپ نے اپنی کبرڈ سیٹ کی ہوئی ہے, ڈرار سیٹ کیا ہوا ہے, آپ نے اس چیز بہت اچھے طریقے سے پلان مینٹین مینج کیا ہوا ہے, تو آپ کو اس چیز میں اس میں سے کوئی چیز ڈھونڈنا یا اس میں کوئی چیز رکھنا, ایڈجسٹ کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے. رہتے ٹائم آپ نے بہت زیادہ گند نچایا ہو ادھر, تو اس میں سے وہ چیز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ نے وائز پرسن کے طور پہ بیہیو کرنا ہے, جس میں آپ پرابلم کو آنے سے پہلے ہی آپ نے اوائڈ کر دینا ہے, آپ پرابلم کریٹ ہی نہیں کرو گے. تو ان سارے پرابلمس جو بھی ہیں جو سافٹ ویئر انجینئرنگ میں آتے ہیں, جیسے ہم نے یہاں دیکھا کہ یہ پرابلمس آ سکتے ہیں, کسٹمر کی ریکوائرمنٹ فلفل نہیں ہوتی, سافٹ ویئر کو امپروو نہیں کیا جا سکتا, ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی, کوالٹی نہیں ہوتی, یہ ساری چیزیں, کاسٹ بڑھ جاتی ہے, ٹائم بڑھ جاتا ہے, پروڈکٹ انسکسیسفل ہوتے ہیں, ان سب کا سولوشن جو ہے وہ سافٹ ویئر انجینئرنگ ہے. یہاں پہ سافٹ ویئر انجینئرنگ کی ایک ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے, IEEE کی فارمل سی ڈیفینیشن ہے. ہوتی کیا ہے سافٹ ویئر انجینئرنگ, سسٹمیٹک ڈسپلن کوانٹیفائیبل اپروچ ٹو دا ڈیولپمنٹ آپریشن اینڈ مینٹیننس آف سافٹ ویئر, دیٹ از دی اپلیکیشن آف انجینئرنگ ٹو سافٹ ویئر. اچھا یہ ایک ڈیفینیشن تھی, اب مطلب کیا ہوا,
सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ सिस्टमैटिक. आप सॉफ्टवेयर वैसे भी बना रहे हो, लेकिन एज सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ने के बाद जो आप सॉफ्टवेयर बनाओगे वो एक आप सिस्टमैटिक वे को फॉलो करोगे. जैसे मैं आपको एक प्रोसेस मॉडल बता दूंगी. फॉर एग्जांपल आपने एजाइल किया है, आपने स्क्रम किया है, स्ट्रीम प्रोग्रामिंग किया है, आप स्पाइरल को फॉलो कर रहे हो, आप वाटरफॉल को फॉलो कर रहे हो, जो भी फॉलो प्री डिसाइडेड है, आपने उसी के थ्रू मूव करना है. उसके थ्रू जो सॉफ्टवेयर बनेगा वो क्वालिटी वाला होगा. अगर आपने फॉलो किया है तो सिस्टमैटिक वे होगा, डिसिप्लिनड होगा, क्वांटिफाइएबल, जिसमें हम हर स्टेप में क्वांटिफाई कर देंगे कि हमने इतना काम किया, R1, R2, R3 को इंप्लीमेंट कर दिया है, उसमें ये चीजें आई हैं. अप्रोच टू डेवलपमेंट, बनाते हुए ऑपरेट, जब ऑपरेशन वो चलना स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त, और बाद में अगर कोई चेंजेस आती हैं उसमें भी हम एक सिस्टमैटिक अप्रोच को फॉलो करते हैं. एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग टू सॉफ्टवेयर. अब हम इसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं, इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं? अब क्या था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट जो होते हैं वो बहुत ज्यादा फेल होते हैं. फेलियर रेट जो है वो बहुत ज्यादा है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर का. इंजीनियरिंग जो है वो रेलेटिवली एक मेच्योर फील्ड है. फॉर एग्जाम्पल साइकिल, कार, ये सारी बहुत पहले की बनी हुई है, मेच्योर फील्ड है. इंसान जैसे जैसे मेच्योर हो जाता है तो वो चीजें सीख लेता है. अब एक फील्ड है वो मेच्योर हो चुकी है, उसने हिट एंड ट्रायल कर कर की चीजें सीख ली हैं. अब सीखने के बाद जब वो बनाता है तो वो एक बेटर प्रोडक्ट बना लेता है. हमने कहा कि हमारे प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा अनसक्सेसफुल होते हैं, तो हमने सोचा कि अगर हम इसको इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन, क्योंकि इंजीनियरिंग एक मेच्योर फील्ड है, इंजीनियरिंग में जो टेक्निक्स यूज होती हैं उन टेक्निक्स को यूज करते हुए हम सॉफ्टवेयर बनाएं तो वो सॉफ्टवेयर जो होंगे वो सक्सेसफुल होंगे. जो इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन, इंजीनियरिंग के टूल्स, इंजीनियरिंग की टेक्निक्स हैं जो उन्होंने मैच्योरिटी के बाद, इतने इयर्स की मैच्योरिटी के बाद लर्न की, उन टेक्निक को सॉफ्टवेयर बनाते हुए यूज करेंगे तो वो एक अच्छे सॉफ्टवेयर बनेंगे. इसको हम कहते हैं इसलिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग. सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारा ऑब्जेक्टिव किया है कि हमने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि टाइम पे हो, रिलायबल हो और कंप्लीट हो. कंप्लीट का मतलब कि अच्छी डॉक्यूमेंटेशन उसकी हो, कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करता हो, रिलायबल या क्रैश ना करे, और जितना टाइम आपने अगर 2 साल डिसाइड किया तो 2 साल में बन जाए, टाइम को स्पेंड ना करे. सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर बनाने हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है उसका ऑब्जेक्टिव. ये 2 बुक्स हम फॉलो करेंगे जो कि मैं कोर्स आउटलाइन में भी लिखी हुई हैं, और 2 बुक्स मैंने आपको LMS पे इनके लिंक्स दे दिए हैं, वहाँ से ड्राइव के लिंक्स हैं, मेरी ड्राइव पर पड़ी हुई हैं, वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा कोई क्यूरी है तो वो मुझसे पूछ लें.